बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का टॉपिक है 4.1.1 अलजबरी जुमले। अलजबरिक एक्सप्रेशंस। ये जो टॉपिक है ये सफ़ा नंबर 66 पे है। पिछले वाले वीडियो में आपने दो चीज़ें सीखी थी, एक थी वेरिएबल यानी कि मुतगैर, और एक आपने चीज़ सीखी थी कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि मुस्तकिल मकदार। अलजबरी जुमला या अलजबरी एक्सप्रेशन ये होते हैं कि यहाँ एक वेरिएबल दिया हो, जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ जी माइनस एक्स की है, ठीक है, या कोई कांस्टेंट हो जैसे मिसाल एक बुक में दी है 12 की, या ये है कि यहाँ पे ना वेरिएबल मैंने कहा है, इधर कांस्टेंट कहा है, मैंने एक एक लिखा है, लेकिन इसके साथ ये भी मुमकिन है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो। मैं इधर वन वेरिएबल लिख देता हूँ, टू वेर कॉन्स्टेंट्स, अच्छा ये है टू और सॉरी ये भी वन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये है टू और मोर वेरिएबल, ठीक है, ये है जी टू और मोर कॉन्स्टेंट, और तीसरी चीज़ है कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। अच्छा, इसकी मिसाल बुक में दी, जैसे फ़र्ज करो आप माइनस एक्स ले लेते हैं, बुक में एग्जांपल दी हुई है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक कांस्टेंट दिया जैसे बुक में उन्होंने 12 लिखा है, अब आप बड़े हैरान होंगे इस एग्जांपल के ऊपर के आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अलजेब्रिक जुमलों की जब बात आ रही तो इसमें एक्स वाई जी ए बी सी आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक कांस्टेंट दिया तो डेफिनेशन के मुताबिक आप उसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करार देंगे। अब यहाँ एक वेरिएबल था, यहाँ पे एक कांस्टेंट था, टू और मोर वेरिएबल्स, मिसाल के तौर पे 4x माइनस 4y, ये बुक की एग्जाम्पल है, बुक में और बहुत सारी एग्जाम्पल दी हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है। बुक में एक और चीज़ दी हुई है अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, दो से ज़्यादा वेरिएबल आ गए ना उसमें। अच्छा, दो मुमकिन है कि दो या दो से ज़्यादा कांस्टेंट हो, जैसे ये मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ 12 प्लस 9, अब जारी बात है अब आप कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो वो जवाब एक कांस्टेंट आ सकता है, जैसे 12 में 9 ऐड करें तो 21 जवाब आ जाता है। तो इस केस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुमकिन है वो दोनों ऐड हो के एक ही कांस्टेंट हो जाए, लेकिन बहरहाल मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए दोनों को अलग-अलग बताया। और जो पांचवा वाला केस है वो ये है कि वेरिएबल या कांस्टेंट को मिला दिया जाए, जैसे कि बुक में एग्जांपल दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बुक में एक और एग्जांपल है माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब, बुक में एक और एग्जांपल है 5x प्लस y डिवाइडेड बाय 13 ओवर y स्क्वायर। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं तीनों, ये वेरिएबल देखें, इनमें वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट भी हैं, ये कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट है, ये बाकी सारे वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट, तो उनको मिला दिया गया ना, लेकिन ये सारे के सारे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, ठीक है। और जिन ऑपरेशन से इनको मिलाया जाता है, जैसे स्पेशली मैं इस केस की बात कर रहा हूँ जो कि इसमें भी है, जो मिलाने वाली चीज़ें हैं ना, मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर बनाता हूँ, जो मिलाने वाली चीज़ें हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं कि जमा के अमल से, तफरीक के अमल से, ज़रब के अमल से, तकसीम जज़र बताया हुआ उन्होंने। तो इन जैसे यहाँ पे जमा से मिलाए, जमा है ये, जमा ये तकसीम है, ये जज़र है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
तो इन सब एग्जांपल्स को जो आपने ये सारी की सारी पढ़ी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अपना कॉन्सेप्ट ज़रा इसके बारे में ज़रा मज़ीद क्लियर कीजिएगा। कहने को तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक जुमला भी है। अगर आप पूछेंगे क्यों, तो ये देखें ना कि 12 है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, अब किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 होती थी, 12 के इक्वल ही होगा ना। अब आप देखो एक्स आ गया ना इसके साथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 12 को, या 12 को मैं वाई रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 0, जी रेज टू पावर 0 लिख दूँ, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, थे जो आप 12 ही है ना, इसलिए इसको भी आप जो है ना अलजेब्रिक जुमला मान लेते हैं। अच्छा, अब आपने अलजेब्रिक जुमले देखे, अगली चीज़ जो उन्होंने डिफाइन की है ना वो है रकम या टर्म। ठीक है, इनकी सीधी सादी डेफिनेशन ये है कि अलजेब्री जुमले के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं ना, के हिस्से जिन्हें आपने जो है ना वो इलामतों से मिलाया हुआ, जैसे जमा किया है या तफरीक की इलामत से, उन्होंने बुक में ये दो दो के बारे में बताया हुआ है, जिन्हें आप इन दो चीज़ों से मिलाते हैं उन्हें आप कहते हैं कि वो रकमें हैं या टर्म्स हैं। मिसाल फिर उन्होंने फिर दी है, जैसे 12 है। अच्छा, अब ये देखें कि आपने पिछले वाले पेज पे जब इसको पढ़ा था तो ये अलजेब्रिक जुमला था, लेकिन इसमें चूंकि अब कोई चीज़ और ऐड नहीं हो रही, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, अकेला का अकेला, तो इसको भी आप रकम कहेंगे। लिहाजा ठीक है, उन्हें जमाए तफरीक से जो जिन हिस्सों को मिलाया जाता है आप उन्हें रकमें कहते हैं, लेकिन ये एक समझे कि एक स्पेशल केस समझ लें। इसी तरह दूसरी चीज़ जो आपने पिछले एग्जांपल में देखी थी वो ये थी माइनस एक्स। अब देखिए माइनस एक्स जो है ये भी एक तरह से अकेला है, तो आप इसको भी एज अ स्पेशल केस कंसिडर कर लें। माइनस एक्स हो या कोई वाई हो, कुछ इस किस्म की चीज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी एक टर्म है। ठीक है, चूँकि बजाते खुद ही एक पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बल्कि इस तरह सोचें कि आपने आपके जो पिछली जब डेफिनेशन आपने पढ़ी है उसके मुताबिक अलजेब्रिक जुमला तो है ना, और ये भी अलजेब्रिक जुमला, ये भी है। अब जुमला चूँकि है ही एक रकम पे मुश्तमिल, एक ही टर्म पे, तो ये उसकी बस एक ही टर्म है, ऐसे सोच लें। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल बुक में उन्होंने दी है 3x अंडर रूट, ये भी वो है जिसमें एक ही एक तरह से ना जो रकम है। ठीक है, ये इन्हें आप कह सकते हैं यक रकमी या सिंगल टर्म, सिंगल टर्म वाले हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ज़्यादा चीज़ें हों, मिसाल के तौर पे 4x-3y, तो 4x एक रकम है या टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये देखें ये मनफी के निशान से मिले हुए हैं, और ये पूरा का पूरा तो अलजबरी जुमला है ही, उसके अंदर ये दो रकमें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इसी तरह बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो एक हिस्सा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और ये पूरे का पूरा अलजेब्रिक जुमला तो खैर है ही है। ठीक है, इसी तरह बुक में इन्होंने एक और एग्जांपल दी है, जैसे है 5x+y/13/y², जबकि वाई 0 नहीं है, तो इसमें देखें कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीन इसकी टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है ये वाली, इसमें भी देखें एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने एक और चीज़ की डेफिनेशन दी है, वो ये है कि जब टर्म्स दो या दो से ज़्यादा, दो या ज़्यादा हों, तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं मुरक्कब जुमला या कंपाउंड एक्सप्रेशन। तो जो इधर वाली एग्जांपल थी ये वाली, ये कंपाउंड एक्सप्रेशंस हैं और ये सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशंस हैं।
कंपाउंड नहीं है, नॉन कंपाउंड कह लें, सिंगल टर्म कह लें, जैसे भी आप कहना चाहें, यक रकमी कहना चाहें, जबकि यहाँ पे ये वाले कंपाउंड है, क्योंकि इनमें देखिए इसमें दो हैं, इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें दो हैं, मुमकिन है किसी में ज़्यादा भी हों, ए एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस सी प्लस डी, जैसे भी आप मिलाना चाहें। तो आई होप कि आपको भी ये क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है 4.1.2, जो कि है अलजबरी जुमलों की इकसाम। अच्छा, अलजबरी जुमलों की उन्होंने ना बुक में तीन एग्जांपल्स, सॉरी तीन जो है ना वो टाइप्स बताई हैं, जिसमें सबसे पहली वाली टाइप है कसीर रकमी जुमला। अच्छा, अब भाई आपने थोड़ी देर पहले एक कंपाउंड एक्सप्रेशन पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि उसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। अब कंपाउंड का मतलब मैंने कहा था ना, दो या दो से ज़्यादा, तो कसीर रकमी, कसीर का लफ्ज़ भी तो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो फिर कसीर रकमी में, जिसको बाय द वे मैं इंग्लिश में बता दूँ कि वो पोले नॉमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, तो फिर इसमें और कंपाउंड एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क हुआ? उसमें भी तो यही कहा था ना कि दो से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा, उसमें दो से ज़्यादा भी हो सकती है ना, दो तीन चार पाँच हो सकते हैं, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इसको समझने के लिए ना हमें इस पे गौर करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये सवाल शुरू में उठा दिए ताकि आप जब आप इसकी डेफिनेशन पे को पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो साथ साथ आपके जहन में ये सवाल रहे कि कंपाउंड एक्सप्रेशन से डिफरेंट क्यों है। तो लिहाजा इंशाल्लाह जब हम इसको पूरा समझ लेंगे तो आपको साथ साथ इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा, गो के उर्दू का लफ्ज़ कसीर और अगेन कंपाउंड मिलते जुलते हैं, लेकिन उन्होंने जो इसको डिफाइन किया हुआ है ना, वो ये किया हुआ है कि एक या एक से ज़्यादा रकम। देखें, पहला फ़र्क आ गया कि कंपाउंड में तो हमें दो चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है। गौर करें इन अल्फाज पे, तो एक आपको फ़र्क अभी पता चल गया, या एक से ज़्यादा, जबकि कंपाउंड में होते ही दो हैं। रकमों पर मुश्तमिल, ठीक है, ये इसकी एक कंडीशन है। और बी कंडीशन ये है कि मुतगैर या मुतगैरात, यानी कि एक का वेरिएबल हो या ज़्यादा वेरिएबल हों, जितने भी हों, उनकी जो पावर होती है ना, इनका कुव्वत नुमा होता है ना, ये एक्सपोनेंट जिसे कहते हैं, पावर कह लें, एक्सपोनेंट कह लें, वो क्या होती है, या वो ज़ीरो होता है या वो पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव सही अदद होती है। पॉजिटिव के साथ मैं सही लिख देता हूँ, सही अदद हों, और जो कि बेसिकली इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अच्छा, उन्होंने पॉजिटिव तो बता दिया, साथ उन्होंने सही अदद लिखा। सही अदद की वैसे डेफिनेशन के अंदर तो ज़ीरो प्लस माइनस वन भी आता है, प्लस माइनस टू भी आता है, फिर आप कहेंगे ये तो माइनस वाले लफ्ज़ भी आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने यहाँ तो पॉजिटिव कहा है। यहाँ उनकी उससे मुराद ये है कि पूरा का पूरा जो है ना वो एक मुकम्मल नंबर हो, या 2.5 की पावर ना हो, या 3.5 की ना हो, बल्कि 2 हो, 3 हो, कुछ इस किस्म की हो, लेकिन नेगेटिव ना हो। अच्छा, तो ये जो उन्होंने कंडीशन लगा दी ना, ये वाली, ये दूसरा फ़र्क है जो पॉलिनामियल एक्सप्रेशन और कंपाउंड एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट करता। कंपाउंड में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि जनाबे वाला उनकी पावर नेगेटिव ना हो, बल्कि आपको याद होगा कि जब हमने ये पढ़े थे, जैसे ये वाला था, ये मैं इसका ये वाला पार्ट लिखने लगा हूँ, 13/y², इसको आप 13y^-2 लिख सकते हैं ना ऊपर ले जाके, तो देखें इसकी जो पावर नेगेटिव होगी ना, लिहाजा ये जो है वो उसमें कंसिडर नहीं होगा।
तो एग्जांपल्स लेते हैं, उससे ज़रा चीज़ ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बल्कि इसी पेज पे एग्जांपल लिखते हैं ताकि डेफिनेशन के साथ लिखा हो तो ज़रा आसान हो। अब 12 है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें एक या एक से ज़्यादा रकम है, तो एक रकम पे मुश्तमिल है तो ठीक है। इसमें मुतगैर या मुतगैरात वाला वो पार्ट नहीं है, लेकिन ये तो है ना 12, तो कोई मसला नहीं, इसको आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। और अगेन अगर कहेंगे क्यों है, तो इसको आप 12x0 वाली जो हमने लॉजिक बताया था उसमें देखें पावर पॉजिटिव है ना, जीरो पावर पॉजिटिव होती है, मैंने ये देखें पॉजिटिव या ज़ीरो, तो 12x^0 लिख देंगे तो 12x ही बन जाएगा ना, इसलिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है, जिसमें देखें ये वाली शर्त भी पूरी हो गई, एक से ज़्यादा रकम तो ये एक पे है, और पावर जो है ना वो मतगैर की पॉजिटिव या ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये देखें इसकी जो पावर है ना वो पॉजिटिव है, तो 12x^0 12 के बराबर है, इसलिए इसको भी मान लेते हैं। अब माइनस एक्स है, तो आप देखें ये भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखें पहली शर्त पूरी होगी कि एक, ये एक रकम पे है मुश्तमल, दूसरा ये है कि मुतगैर की पावर जो है ना वो ज़ीरो या पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स मतलब ये है ना कि -x^1 सॉरी, तो अब 1 जो होता है वो पॉजिटिव है ना, तो लिहाजा इसकी ये कंडीशन ठीक है, एक्स की पावर पॉजिटिव या ज़ीरो होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला वाला उन्होंने एग्जांपल दिया है 4x-4y, तो देखें इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी भी पावर पॉजिटिव है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और पहली कंडीशन कहती है एक या एक से ज़्यादा रकमें हैं, तो इसमें दो टर्म्स हैं, लिहाजा ये भी ठीक है। अगली वाली है x²+2x+1, इसमें देखें तीन रकमें हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जारी बात है ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी, क्योंकि कम से कम एक या एक से ज़्यादा हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, अगर कुछ ना कुछ होगा तो कंडीशन पहले वाली तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी बार पार्ट में एक पावर ज़ीरो या पॉजिटिव होनी चाहिए, देखें +2 है +1 है, ठीक है। अच्छा अब एक और है, ये इसमें भी देखें पावर पॉजिटिव है, लिहाजा ये भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। अब कुछ और एग्जांपल हैं, वो पावर्स या किसी इस कंडीशन किसी भी कंडीशन की वजह से वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है, मैं मिसाल देता हूँ x³। अब ये बुक की एग्जांपल है, उसमें बताया उन्होंने, अब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल एक से एक या एक से ज़्यादा रकमों पर मुश्तमिल हो, तो मैंने पहले कहा था कि जब भी आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो वो जारी बात है कोई ना कोई रकम तो बन ही जाएगी ना, कम से कम एक तो होगी ना, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन मसला ये आता है कि दूसरी के लिए यहाँ देखने में तो पावर पॉजिटिव लगती है, लेकिन ये बेसिकली एक्सप्रेशन ऐसा है, तो जब इसको आपने ऐसा किया ना तो इसकी पावर नेगेटिव होगी, तो ये फिर हमारे काम का नहीं रहा, ये कंडीशन जो जिस तरह मैथमेटिशियंस ने डिफ़ाइन की है ना, तो उस कंडीशन के मुताबिक ये जो है ना ये ठीक नहीं है काम, लिहाजा ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरह उन्होंने एग्जांपल दी x+1/x की, तो x तो ठीक है, 1 वाला x के साथ वही मसला जो इधर था, लिहाजा ये भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है। फिर एक और एग्जांपल है बुक में, x√ है -1/x√ है, अब ये पार्ट तो ठीक है, लेकिन इस पार्ट में मसला आ गया कि पावर फिर जनाबे वाला वो नेगेटिव भी है फ्रैक्शन में भी है, ये भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये थी बुक की एग्जांपल, आपको दो और मैं एग्जांपल्स देता हूँ और आप उनके बारे में गौर करें। पहली वाली है 6x²+3x/3x, अब आप बताएं कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। अब देखने से बज़ाहिर तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि ये 3x है, इसकी उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3x^-1 हो जाएगा, तो भाई ये तो पॉलिनॉमियल नहीं है, पावर नेगेटिव होगी, लेकिन एक्चुअली ये ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कि 6x²+3x अगर आप 3x पर डिवाइड करें ना, तो आंसर आता है 2x+1, तो ये जो नतीजतन एक्सप्रेशन निकला ना ये बिल्कुल ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल है। इसी तरह एक और है x²/x, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे ये भी पॉलिनॉमियल है, क्योंकि x² ओवर x जब आप
डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जवाब एक्स आएगा, जो कि पॉलिनॉमियल है। लिहाजा ये वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब अगले पार्ट में वो बात करते हैं कि अब आपने, बल्कि उससे पहले आपको बताता हूँ, आपने देखा ना कि पॉलिनॉमियल्स में क्या होता है, एक या ज़्यादा उसमें रकमें होती हैं, टर्म्स होती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है कि उनमें जो पावर है किसकी, वेरिएबल की, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम फ़र्ज़ करें कि एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि सिर्फ एक्स वेरिएबल के साथ है, तो हो सकता है वो एक्स क्यूब प्लस 2x+1 हो, या एक्स रेज टू पावर 100 प्लस एक्स रेज टू पावर 98 प्लस एक्स रेज टू पावर 50+2 हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब जनरल एक्सप्रेशन जो कि पी एक्स, उसको इस तरह लिखते हैं, पी एक्स से मुराद एक पॉलिनॉमियल जो कि एक्स वेरिएबल के साथ है, उसको लिखेंगे कि उसकी पहली टर्म जो है ना वो एक्स रेज टू पावर एन है। ठीक है, दूसरी टर्म, अब पावर कम होती जाती है ना, उनको तरतीब में लिखते हैं तो पावर कम करते जाते हैं, तो अगर एक पावर एन है तो अगली पावर क्या होगी, एन रेज टू पावर एन माइनस वन होगी ना। फर्ज करिए 5 है तो एन माइनस वन 4 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 99 हो जाएगा, उससे अगली वाली क्या होगी, एन माइनस 2, और ये सिलसिला चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। एक वक्त आता है कि आपकी पावर कम होते होते सिर्फ एक्स रह जाती है, ठीक है, और उसके बाद भी एक स्टेज आती है कि वो एक्स रेज टू पावर 0 हो जाती है, जिसको आप लिखते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको ये 1 लिखते हैं, लेट्स से लिखते नहीं, लेकिन मैंने क्लियर करने के लिए लिख दिया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो वेरिएबल तो आ गए, लेकिन मुमकिन है इनके साथ कोई कॉफिशेंट भी लगाओ, तो पहले वाले के कॉफिशेंट को ए 0 लिखते हैं, इसके कॉफिशेंट को ए 1 लिखते हैं, इसके कॉफिशेंट को ए 2 लिखते हैं, और इस तरह लिखते जाते हैं। अब देखें कॉफिशेंट के हम नंबर बढ़ाते जा रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो कॉफिशेंट को आप ए एन माइनस वन कहते हैं, और एंड में मुमकिन है ना कि कांस्टेंट हो, तो उसको आप ए एन लिखेंगे। अब चूंकि ये ए एन है तो इसलिए इससे एक पहले को ए एन माइनस वन का है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बन गया पॉलिनॉमियल का, जो कि एक्स वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, एक्स वेरिएबल से बनी हुई है, और उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एन जो है ना वो नॉन नेगेटिव है। ठीक है, और ये भी बताया हुआ है उन्होंने कि ए 0 ए 0 ए 1, ये सारे के सारे जितने भी हैं ए एन तक, ये सारे के सारे जो है ना वो रियल नंबर्स हैं, और ए 0 जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे 0 के इक्वल कर देंगे तो इसे मल्टीप्लाई करके ये भी चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये A0 नहीं है। तो इन चीज़ों के बाद उन्होंने बताया है कि जो पॉलिनॉमियल है ना, बल्कि कोई भी पॉलिनॉमियल है, उसमें जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री क्या है, एन। अब कोई पॉलिनॉमियल हो, उसमें अगर हाईएस्ट डिग्री उसके वेरिएबल की फ़र्ज़ करें 5 है, तो पॉलिनॉमियल जो है ना उसकी डिग्री क्या होगी, 5। ठीक है, तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट इसमें। अब इसमें थोड़ी सी और जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उनको ना, जैसे फ़र्ज़ करें कि दो वेरिएबल वाली पॉलिनॉमियल हो, कि एक्स भी हो वाई भी हो, तो फिर हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो उसको जो है ना हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने ना उसको एज अ स्पेशल केस ज़रा आगे डिस्कस किया हुआ है, तो हम वो तरतीब से चलते जाते हैं, फिर उस स्पेशल केस को हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपने पॉलिनॉमियल का जो है वो जनरल एक्सप्रेशन जो कि ये वाला, ये डिराइव कर लिया। अब आगे उन्होंने 1 2 3 4 स्पेशल केसेस कह लें वो दिए हुए हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला स्पेशल केस ये है कि फ़र्ज़ करें कि एन 0 हो और ए रेज टू पावर एन 0 ना हो, तो ये जो पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल है ना, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ जो मैंने पिछले पेज पे लिखा था आपकी सहूलत के लिए,
तो फिर बताऊंगा कि इस कंडीशन की वजह से उसका हुआ क्या। आप देखें, एन आपने ज़ीरो कर दिया, यानी कि ये पावर ज़ीरो है, ठीक है, तो एन माइनस वन भी वो नेगेटिव नंबर हो गया, तो वो तो उस डेफिनेशन में आता ही नहीं। तो क्या हुआ कि ये चीज़ भी ख़त्म हो गई, क्योंकि एन ज़ीरो है तो एक्स रेज पर ज़ीरो वन हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। जब एन ज़ीरो आ गया तो क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ पे हम कहते थे ना कि अगर एक्स की पावर ज़ीरो हो जाए तो क्या होता है, वन हो जाता है। तो आपका बेसिकली ये वैलिड ही नहीं रहते ऑटोमेटिकली, आपके पास जो चीज़ बचती है ना वो सिर्फ ये बचती है, क्योंकि इसमें क्या है, ए एन है और एक्स ही पावर ज़ीरो है ना जो कि वन होती है, तो आप इसलिए इसे ए एन ऐसे लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ना ये सिंपल होके सिर्फ ये बन जाता, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसका तरीका बताया है, मतलब तरीका नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये इसलिए इसको भी वो कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट करनी थी, तो एन की हमने वैल्यू पुट की तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर सिंप्लीफाई होकर सिर्फ ये चीज़ बच गई जो कि कांस्टेंट है। तो इसने इस पूरी चीज़ जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है या उसकी जेनरिक फॉर्म है उसको तो सेटिस्फाई किया है ना, लिहाजा वो कह रहे हैं इसलिए हम कांस्टेंट को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब अगला वाला स्पेशल केस देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं बल्कि एक्सप्रेशन दोबारा लिख देता हूँ, अच्छा अब वो ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ऐसा हो कि तमाम के तमाम तमाम अददी सर ज़ीरो हो जाएं, यानी कि ये ज़ीरो हो, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, ये तो फिर क्या होगा, ये एक्सप्रेशन तो फिर ज़ीरो बन जाएगा, तब ज़ीरो बन जाएगा ना, क्योंकि जब आप ज़ीरो को किसी भी वेरिएबल से या किसी से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये सारा का सारा तो फिर ज़ीरो बन गया। अच्छा अब ये भी कहते हैं कि पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, लेकिन इसकी जो डिग्री है ना वो कोई नहीं है, डिफाइंड नहीं, क्योंकि ज़ीरो आ गया। और जो पिछला वाला था ना, इसकी वो डिग्री क्या कहते थे, इसकी डिग्री ज़ीरो, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, इसकी डिग्री वो ज़ीरो कहते हैं, क्योंकि ए रेस्ट पर एन और साथ क्या एक्स रेस्ट पर ज़ीरो है, तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे ज़ीरो ही आ गई ना इस एक्सप्रेशन में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए इसकी डिग्री ज़ीरो है। लेकिन जो ये वाला है इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं है, नो डिग्री, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला स्पेशल केस वो ये डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये पॉलिनोमियल पहले मैं लिख देता हूँ, ये मैंने पूरा पॉलिनोमियल लिख दिया। अच्छा अब वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एन जो है वो वन हो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स रेज पर एन है तो एक्स रेज की पावर वन आ गई, ठीक है, ये एक्स ही आ गया, और इसका जो कोफिशिएंट है वो ए रेज पर ज़ीरो इसी तरह आ गया। अब एन हमने वन पुट किया ना, तो यहाँ पे ये क्या बचा आपके पास, ए बचा, ठीक है।
और एन वन है उससे अगली वाली टर्म क्या होगी, बल्कि सॉरी मुझे ए वन लिखना चाहिए, मैं इधर से चलना शुरू करता हूँ। हम करते क्या हैं कि एन की वैल्यू पुट करते जाते हैं और एक्सप्रेशन बनाते जाते हैं। ए ज़ीरो उसी तरह आ गया, एन की पावर मैंने वन लगा दी, आगे चला ए वन उसी तरह, एन की पावर मैंने क्या लगानी है, वन लगानी, तो वन माइनस वन तो ज़ीरो होता है, तो एक्स की पावर ज़ीरो आ गई ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया एक तरह से, ए रेस्ट पर 0x+a1, यानी कि जब एन वन होता है, ये लिख देता हूँ फॉर एन, सॉरी सॉरी एन इज टू वन, तो ये आपकी पॉलिनॉमियल बन गई। जब एन वन हो तो उसकी ये सूरत हाल, ये सिंप्लीफाई होकर ये बन जाती है। वो सिखा ये रहे हैं कि इसमें अगर एन वन पुट करें, टू करें, थ्री करें, तो ये रिड्यूस हो गई है, इसकी फॉर्म क्या होगी। ये तो एक पूरा एक्सप्रेशन है ना जिसमें एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वन होगा एन तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। उन्होंने कहा जैसे मिसाल दी हुई है, फ़र्ज़ करें कि 3x+4, ए ज़ीरो 3 है, ए वन 4 है, एक्स उसी तरह आ गया, तो एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है उन्होंने। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि एन जो है वो हम 2 लेते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ए ज़ीरो उसी तरह एन की पावर में 2 लगा देता हूँ, सॉरी एक्स की पावर 2 लगाता हूँ, ठीक है, प्लस ए वन, अब ये 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, प्लस ए 3 लगाऊंगा ना जब मैं, तो एक्स की पावर 0 हो चुकी होगी, जो कि सिंपली क्या है, ए रेस्ट पर 0x² + a1x + a3, ये क्या है, फॉर एन इज इक्वल टू 2। तो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होके इस तरह बन गया, ठीक है, सॉरी ये 2 आता, ये 2। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने बुक में दी, जैसे कि 2x² हो आप -4x+5। आप देखें ये x² ये x है, ये x है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये साथ ये ए ज़ीरो की वैल्यू 2 उन्होंने दी हुई है, ए वन की वैल्यू उन्होंने -4 दी हुई है, ठीक है। इसमें ये चीज़ मद्देनज़र रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास तमाम के तमाम इस तरह सीक्वेंस में आ रहे हो कि x² है तो अगला x हो और अगला ये हो। मुमकिन है कि ऐसा हो आपके पास कि 2x² हो +5 लिखा हो, एक्स वाली टर्म ही मिसिंग हो, इवन देन ये जो चीज़ है ना इसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है, और इसकी डिग्री 1 है, आपको पता ही है, इसकी डिग्री तब भी 2 कहलाएगी, ये मैंने कहा पॉइंट आउट कर दूं। आप फर्ज करिए एन, आप करते हैं एन इज इक्वल टू 3, तो पी एक्स एक्सप्रेशन क्या होगा, ए 0 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस ए 1 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस ए 2 एक्स रेज टू पावर 1 प्लस ए 3 एक्स रेज टू पावर 0, जो कि क्या एक्सप्रेशन आता है, ए 0 x³ प्लस ए 1 x² प्लस ए 2 एक्स प्लस ए 3। अच्छा अब ये देखें, ये फॉर एन इज इक्वल टू 3 के लिए ना, इसकी बुक में एग्जांपल दी, जैसे कोई x³ हो प्लस x² माइनस 2x+1। अब इसकी डिग्री क्या है, 3, क्योंकि इसमें हाईएस्ट टर्म 3 है एक्स की, लेकिन ये मद्देनज़र रहे कि मुमकिन है कि ऐसा हो कि x³ -2x+1, x² वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल ही मिसिंग हो, पॉसिबल है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में x² वाला एक्सप्रेशन मिसिंग क्यों होगा, मुमकिन है कि a₁ 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, ये चीज़ ख़त्म होगी ना, ये टर्म ख़त्म होगी, सॉरी मुझे एक्सप्रेशन नहीं टर्म कहनी चाहिए, कि ये टर्म ख़त्म होगी, जब ये ख़त्म होगी तो बाकी यही बचा ना, तो इसकी डिग्री तब भी 3 ही होगी, याद रहे। तो ये उन्होंने ना कुछ वैल्यूज़ पुट किया इनकी और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके बताया कि ये बनेंगे, साथ उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दी। अब चौथी चीज़ जो कि वो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल्स, जब हम पावर डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था ना कि हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट
ऑफ वेरिएबल, वो जो होती है ना वो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि फ़र्ज़ करें कि ये भी हो सकता ना कि ये एक्सप्रेशन हो आपके पास 3x³ - y² अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें देखें, इस वेरिएबल की डिग्री 3 है, अगर इसको देखें तो ये 2 है। अब आप क्या करेंगे इस बारे में? तो जनाब, इसकी जो डिग्री होगी ना, जो हाई, जिस वेरिएबल की भी हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, वो इसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री है 3, क्योंकि ये 3 ये वाला हाईएस्ट डिग्री है किसी भी वेरिएबल की हो। अगर ये 3y³ - x होता तब भी डिग्री 3 ही होती। चलो ये तो बहुत आसान है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये सिचुएशन हो जनाब कि 7x³ + x² + xy + 3। ये ज़रा स्पेशल केस है, फिर ज़रा ज़्यादा गौर कीजिएगा कि अब डिग्री क्या होगी। उसका तरीका ये है कि जहाँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मिले हुए हैं ना, एक्स भी है वाई भी है, इसलिए भी ये स्पेशल केस है। तो मैं पूछ रहा हूँ डिग्री क्या होगी इसकी, क्वेश्चन मार्क है। इसका तरीका ये है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री को ऐड कर दे तो यहाँ पे 4 आएगा ना। इसकी डिग्री 1 है, इसकी 3 है, ये 4 आ गया। इसकी डिग्री 2 है तो ये 2 ही है। इधर इसकी डिग्री को ऐड करें 1 1 तो 2 आ गई। तो हाईएस्ट जो वैल्यू है ना वो 4 है ना, तो इसलिए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है। बाकी भी जो दो छोटे छोटे मिसालें दी हैं वो बड़ी सिंपल हैं, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ एंड में कही कि y+1/x एक स्पेशल केस है। वो कह रहे हैं स्पेशल केस इन द सेंस कि ये वो समझाना चाह रहे हैं कि ये आपका पॉलिनॉमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y+x² - 1 आ गया ना, तो ये गड़बड़ है ना, -1 वाली पावर, ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं। हालांकि दो वेरिएबल तो आते हैं, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसका आप एल्जेब्रिक जुमला तो कह सकते हैं, लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते, ठीक है। अब जो बाकी जो दो किस्में हैं ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, मेरा ख्याल उन्हें अगले वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ खासी लंबी हो गई है। वो दो जो हैं, आपको याद होगा हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं ज़रा आपके जिन में रेफरेंस लाने के लिए पिछले पेज पे लेके जाता हूँ। अलजेब्रिक, हाँ जी, अलजेब्रिक जुमलों की एग्ज़ाम टॉपिक 4.1.2 शुरू किया था, तो उसमें हमने पहला वाला जो डिस्कस किया था, उसका उसकी जो एक किस्म थी वो कसीर रकमी जुमले पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन से। लेकिन इसके अलावा दो और भी हैं जो कि नातिक जुमले यानी कि वो रैशनल एक्सप्रेशंस, और गैर नातिक जुमले यानी कि इरेशनल एक्सप्रेशंस हैं। उन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन सॉरी, मैं एक चीज़ दोबारा से आपको हाईलाइट करना चाहता था, वो ये थी कि कंपाउंड एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का फ़र्क आपने इसे देख लिया, उससे ये नतीजा निकलता ना कि मुमकिन है कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जो है आपके पास एक हो। वो अब क्या, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि क्या सारे के सारे कंपाउंड एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के लिए वो कंडीशन लगा देते हैं जब किसकी कोई कंडीशन नहीं। लिहाजा सारे के सारे कंपाउंड एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस नहीं होते, ठीक है। अब फिर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि क्या तमाम के तमाम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस कंपाउंड एक्सप्रेशन होते हैं? इसका जवाब सोचें, इसका जवाब है दोबारा नहीं। आप हैरान होंगे नहीं पे, उसकी वजह ये है कि कंपाउंड एक्सप्रेशन की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें वो कहते थे कि दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होने चाहिए, लेकिन जब आपने इधर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन पढ़े ये वाले, ये तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी जिसके मुताबिक 12 एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन 12 जो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है वो कंपाउंड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के मुताबिक तो वो ठीक नहीं है। कंपाउंड में तो कहते हैं दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होनी चाहिए। लिहाजा हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होगा, और इसी तरह हर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, सॉरी मैं गलत कर गया हूँ, हर कंपाउंड एक्सप्रेशन, यही कहना चाहिए था, हर कंपाउंड एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, और इसी तरह हर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन कंपाउंड एक्सप्रेशन नहीं होगा।
तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो से रैशनल एक्सप्रेशंस और इरैशनल एक्सप्रेशंस, जो कि दो और किस्में हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। सलाम अलैकुम।